अस्सलामुअलैकुम, मुझे अलीज़े कहते हैं और आप देख रहे हैं अलीज़े चौधरी ऑफिशियल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए अलीज़े चौधरी ऑफिशियल, और साथ में लगे बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग उसे देख सकें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर कीजिएगा, कॉमेंट करें और लाइक करें। अब आते हैं अपनी वीडियो के टॉपिक की तरफ। आज की वीडियो में हम थोड़ा मीठा बनाने जा रहे हैं। ज़रबख्त ने मुझसे फरमाइश की थी कपकेक्स की, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसी के ऊपर एक वीडियो बना ली जाए और इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से अपने घर पे कपकेक्स को बेक करती हूँ। एक और चीज़ कि मैं स्नेकी में बेक करने जा रही हूँ कपकेक्स को, अपनी रेसिपी को इसमें बनाने जा रही हूँ। आपके घर पे अगर अवन है तो आप बना सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है कि ये सिर्फ स्नेकी में बनते हैं, ये अवन में बन जाते हैं। कुछ लोग तो इतने अच्छे तरीके से इसको चूल्हे पे बना लेते हैं, लाइक तवे पे बना लेते हैं। सो उन सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके वीडियोस बनेंगे, लेकिन आज मैं इसको स्नेकी में बनाने जा रही हूँ। मैं बताती हूँ कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और कितनी आसानी से ये घर पर बन जाते हैं, और बस एक छोटी मोटी ट्रिक्स होती हैं जो अगर आप फॉलो करें तो आपको ना चखने की ज़रूरत पड़ती है, एक्यूरेट हर चीज़ होती है और बड़े परफेक्ट कपकेक्स रेडी हो जाते हैं। तो चलते हैं किचन की तरफ। जी, तो कपकेक्स बनाने के लिए प्लेन कपकेक्स, इसमें कोई फ्लेवर ऐड नहीं करूँगी, बनाना कपकेक्स नहीं है, चॉकलेट कपकेक्स नहीं है, प्लेन कपकेक्स हैं ये। ये बनाने के लिए मैंने 1.5 कप चीनी बोल में पहले से ही डाल ली, ठीक है जी। और उसके बाद आपको चाहिए 2 अंडे। अब आपने क्या करना है, इनको बीट करना है अच्छी तरह। अच्छा जी, अब आपने 1.5 कप चीनी और उसके अंदर हमने 2 अंडे डालकर इसको अच्छी तरह से किया, और मैश करने के बाद ये देखें, ये इतना ऑयल, ये देखिए, हाफ से थोड़ा सा कम है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें बटर डालने ज़्यादा अच्छा है, अपना टेस्ट है। मुझे ऑयल अच्छा लगता है, बटर मुझे नहीं अच्छा लगता। ये डाल लिया। अच्छा जी, अब हम इसको फिर से करते हैं। जी, अब आपने इसमें ये देखें 1 कप दूध ऐड कर देना है। आम जो घर पे है, मिल्क पैक का है, पैक्ड है, पैकेजिंग वाला है, जो भी है आपकी मर्जी। इसमें आपने ये देखें इतना, हाफ से थोड़ा सा कम बेकिंग पाउडर डालना है। फिर आपने इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वनीला एसेंस डालना है। तकरीबन 1 टेबलस्पून डाला है मैंने। ये देखें, इसमें 1 कप भर के मैदा डाला और ये तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा। अगर आपको चीनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो फिर आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बेकिंग पाउडर तो हमने डाला है, लेकिन इतना सा बेकिंग सोडा भी डालना है। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ये बहुत गाढ़ी भी ना हो, बहुत पतली भी ना हो। ये देखें, इस तरह से मैंने कपकेक्स के जो पेपर्स हैं, बटर पेपर लगा ली हैं। अब हम इसको ग्रीस करेंगे। ये देखें, इस तरह से हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो ब्रश होता है ये बेकिंग के लिए काफ़ी सही रहता है। बहुत थोड़ा थोड़ा ऑयल लगता है और ग्रीस हो जाता है। अच्छा जी, आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं, 180 पे आप इसको प्री हीट कर लें, लेकिन मेरे पास क्योंकि ये स्नेकी है तो मैं आपको इसका बता देती हूँ कि क्या क्या करना है। मैंने इसको ये करना है कि 180 पे, ये देखिए मैंने कर लिया,
बाद क्योंकि मैंने इसको दोनों साइड से बनाना है, नीचे और ऊपर दोनों साइड से पके, इसलिए मैंने इसको डबल साइडेड कर दिया, ड्यूल साइड कर लिया और टाइमर लगा दिया मैंने इसका 40 मिनट्स। वैसे 30 मिनट्स में बन जाते हैं लेकिन एहतियातन मैं 40 कर लेती हूँ। अब इसको आपने कोई 10 मिनट्स प्री हीट करना है। ये देखिए जी, इस तरह मैंने इनको फिल कर लिया और बिल्कुल एजेस तक नहीं भरना आपने, क्योंकि ये पकने के बाद फूलेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं और ये बटर पेपर की पॉइंट से निकल जाते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा साफ भी कर लेते हैं, ट्रे साफ होना चाहिए वरना बाद में साफ़ करना बहुत मुश्किल है। अब उनको मैंने प्री हीट होने के लिए कर दिया था ऑन। अब देखते हैं कि इसको बीच में रखना है। एक अहम टिप जो शायद आपको पता हो लेकिन मैं बता दूँ कि इस तरह फिल करने के बाद आपने ऐसे 3 बार ऐसे ज़रूर करना है, उससे बबल्स नहीं बनते अंदर, क्योंकि हमने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों चीज़ें ऐड की हुई हैं। तो ऐसा अगर आप नहीं करेंगे तो अंदर सख्त सख्त बबल्स बन जाएंगे जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ये देखिए, मुझे लग रहा है कि ये हो गए हैं, लेकिन आपने चेक कैसे करना है कि ये बने हैं या नहीं बने। ये टूथपिक लीजिए और ऐसे करके ऐसे निकालिए, ये देखिए इस तरह आ गई। इसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, इट मीन्स दे आर डन। ये देखिए रेडी हो चुके हैं। आपको निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से बने हैं। आपकी मर्जी है तो आप थोड़ा ज़्यादा बटर डालें तो ये बहुत ऊपर तक फूल जाते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने ज़रबफ के लिए बनाए हैं तो बच्चों के लिए इतनी क्वांटिटी काफ़ी होती है जी। तो ये थी मेरे तरीके से कपकेक्स बनाने की रेसिपी। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी, कुछ लोगों को नहीं लगी होगी। तो आप बताएं आप किस तरह से अपने घर पे कपकेक्स बनाते हैं। आप लोगों की जो तनकीद बराए तामीर है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप मुझे बताया करें। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि वो लोग जो सोच रहे होंगे कि हमें तो चॉकलेट कपकेक्स पसंद है, अलीज़े ने उसके बारे में तो बात नहीं की, उसके बारे में हम एक और दिन बात करेंगे। आज प्लेन कपकेक्स बनाना सिखाए हैं इसलिए क्योंकि मुझे यही बनाने थे। अगर आप लोग कोई और चीज़ चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो के थ्रू शेयर करूं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।